Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Allahabad. Today, I would like to take your attention towards T.S. Eliot's almost magnum opus and a modern epic, The Wasteland. जब भी हम वेस्टलैंड की बात करते हैं तो T.S. Eliot का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होना या उनकी पोयम में कॉम्प्लेक्सिटीज का होना नेचुरली हमारे सामने आता है. कॉम्प्लेक्सिटीज का जो सबसे बड़ा रीजन बनता है वह उनकी कहीं ना कहीं फार फेच्ड इमेजेस जो मेटाफिजिकल पोएट से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने अपनी पोएम्स में यूज किया था वह वेस्टलैंड में भी स्पष्ट रूप से दिखती है. अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग रेफरेंसेस को यूज करके T.S. Eliot ने द वेस्टलैंड को हमारे सामने रखा. यह एक ऐसी पोएम है जो मॉडर्निज्म के लिए, आधुनिकता के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में है, एक उदाहरण के रूप में है. मॉडर्न जनरेशन या जो लॉस्ट जनरेशन थी उस लॉस्ट जनरेशन को दिखाने का काम कहीं ना कहीं इस पोएम में होता है. कुछ स्प्रेट्स ऑफ एब्सर्ड थिएटर भी हमें इस पोएम में देखने को मिलता है. अल्यूजंस का यूज हो या मेटाफर का यूज हो या लेजेंड का यूज हो, सभी तरह से यह पोयम एक कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे सामने रखती है. ऑलमोस्ट मोस्ट डिबेटेड पोयम ऑफ द मॉडर्न और 20th सेंचुरी वी कैन कॉल इट. यदि मॉडर्निटी में राइटिंग करना अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटीज को साथ में रखता है, चाहे वो कोई एसेस्ट के रूप में अल्दोज हक्स ले रहे हों या पोएट के रूप में और ड्रामेटिस्ट के रूप में T.S. Eliot रहे हों या नॉवलिस्ट के रूप में जेम्स जॉइस रहे हों या वर्जीनिया वुल्फ रही हों, सभी की जो राइटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी या ऑब्जेक्ट्स या फार फेच्ड इमेजेस का इन्फ्लुएंस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. और वो बात T.S. Eliot की द वेस्टलैंड में भी स्पष्ट रूप से दिखती है. द वेस्टलैंड के बारे में T.S. Eliot ने सबसे पहले अपने एक फ्रेंड जॉन फिन को लिखा था, अ लॉन्ग पोएम इन माई माइंड and partly on paper which I am wishful to finish. यह बात कि एक long poem है जो उनके mind में भी है और कुछ हिस्सा इस poem का उन्होंने almost paper पर उतार लिया है, मतलब writing का काम कर लिया है. इस बात को उन्होंने John Finn, जो उनके American friend थे और editor भी थे, उनको इन्होंने मई 1921 में ये बात लिखी थी. हम जानते हैं कि द वेस्टलैंड जो है वो 1922 में पब्लिश की गई है, लेकिन उसके पहले ये थॉट, ये विचार उनके माइंड में आ चुका था. इस बात का जिक्र उन्होंने अपने एक लेटर में अपने फ्रेंड जॉन फिन को किया हुआ था मई 1921 में. एक बार फिर से इस बात का जिक्र कि यह पोयम पहले से ही T.S. Eliot के माइंड में चल रही थी, हमें एज्रा पाउंड की पोयम सेज होम से पता चलता है. सेज होम जिसको एज्रा पाउंड ने 48 लाइंस में लिखा था, यह बात उन्होंने दिसंबर 1921 में क्लियर किया था कि T.S. Eliot ने द वेस्टलैंड को जन्म दिया है. इनफैक्ट Eliot को वहां पर उन्होंने मदर के रूप में, मां के रूप में सामने रखा था.
और अपने आप को एक मिडवाइफ के रूप में, एक दाई माँ के रूप में रखा था, क्योंकि एज्रा पाउंड का भी रोल द वेस्टलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। और पहले ऐसे बंदे होते हैं जो इसको एक तरह से स्क्रूटिनाइज करते हैं और शॉर्ट एंड करने का सजेशन भी टी एस एलियट को देते हैं। इस पोएम को राइट करने के पीछे टी एस एलियट की अपनी जो मेंटल और फिजिकल स्टेटस उस समय थी, वह भी एक रीजन बनती है। बाय 1920 टी एस एलियट नर्वस ब्रेकडाउन से सफर कर रहे थे और सेम कंडीशन उनकी फर्स्ट वाइफ विवियाने हार्वुड की भी थी। इसलिए उन्होंने अपने बैंक से, जहां पर ये एम्प्लॉय थे, उससे इन्होंने लीव ली और ऑलमोस्ट उस छुट्टी को उन्होंने मार्गेट और केंट नामक जगहों पर स्पेंड किया और वहां पर इनको अपने उस नर्वस ब्रेकडाउन से एक जनरेशन के बारे में पता चलता है, जिस जनरेशन को वह द वेस्टलैंड में जगह देते हैं और वह बाद में हमारे सामने द वेस्टलैंड के नाम से एक पोयम बनती है। हालांकि इस पोयम को राइट करने के लिए एलियट ने ढेर सारे एलूजंस का यूज किए, ढेर सारे रेफरेंसेस का यूज किए और अलग अलग तरह से इसको इंप्रेसिव बनाने की कोशिश की। यहां तक कि विलियम शेक्सपियर के कई प्लेस जैसे हैमलेट, एंटनी एंड क्लियोपात्रा, सिम्बेलिन, कोरियोलेनस और दी टेम्पेस्ट का भी रेफरेंस इन्होंने अपनी इस पोयम में लिया हुआ है। शेक्सपियर के बड़े एडमायर थे, कोरियोलेनस को बहुत कम लोगों ने पसंद किया है, लेकिन टी एस एलियट कोरियोलेनस को प्रेज हाईली, बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और उसे एक परफेक्ट प्ले के रूप में समझते हैं। शेक्सपियर रहे हो या फिर जियोफ्रे चौसर रहे हो, जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मानते हैं, जियोफ्रे चौसर की जो पोयम द कैंटरबरी टेल्स, उस पोयम की शुरुआत अप्रैल मंथ के प्रेज के साथ होती है, जिसमें उन्हें लगता है कि अप्रैल का महीना एक स्वीट मंथ होता है जिससे ढेर सारे फ्लावर्स और नई चीजों का निर्माण होता है। वहीं पर टी एस एलियट अपनी पोयम द वेस्टलैंड की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि अप्रैल एक क्रुएलेस्ट मंथ है जिससे पेन की शुरुआत होती है, स्वीट यादें पेन का रीजन बनती हैं, कारण बनती हैं, एक डिसोलेशन, एक निराशा, एक इल्यूजनमेंट जिसको हम देख सकते हैं, डिस्पेयरमेंट जो हमारी मॉडर्निटी की पहचान है, वह इस पोयम की पहली लाइन से, जहां पर स्प्रिंग को ही, अप्रैल को जो बसंत का मौसम होता है उसको ही क्रूलेस्ट मंथ के रूप में समझा जाता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड द वेरी टेम्परामेंट ऑफ द पोयम विच माइट बी पेसिमिस्टिक इन इट्स टोन। नाउ वी मूव विद द टॉपिक्स ऑफ द पोयम। द फर्स्ट कंसीडर्ड टाइटल वाज He do the police in different verses and final title was taken from ritual to romance by J.L. Weston's William T.S. Eliot जिस तरह से inspired थे, जिस तरह से उनकी writing चल रही थी, उस तरह से उन्होंने अपनी राइटिंग में वेरिएशन भी दिखाने की कोशिश की और टाइटल जो शुरुआत में इन्होंने लिया, उस टाइटल को वर्क करने के लिए सबसे पहले उन्होंने चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल और म्यूचुअल फ्रेंड से यह लाइन लिया था, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वर्सेस, जबकि जेसी एल वेस्टन ने 1920 में अपनी एक रचना दी थी फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस,
इस रिचुअल टू रोमांस में उन्होंने द वेस्ट लैंड का यूज किया था। इस तरह से द वेस्ट लैंड का जो फाइनल टाइटल है वह जेसी एल वेस्टर्न के फ्रॉम रिचुअल्स टू रोमांस से आता है, जबकि शुरुआती दौर के जो टाइटल के रूप में टीएस इलियट वर्क कर रहे थे उसमें ऐसा माना जाता है कि इस पोयम के फाइव सेक्शंस में से फर्स्ट टू सेक्शंस द ब्यूरियल ऑफ द डेड और अ गेम ऑफ द चेस का यूज सबसे पहले उन्होंने इसी टाइटल के अंडर ही डू द पॉलिस इन डिफरेंट वॉइसेस में लिखा हुआ था। बाद में टीएस एलियट को रियलाइज हुआ एज्रा पॉन्ड के सजेशन से कि शायद यह टाइटल बहुत सुटेबल नहीं है, इसलिए इन्होंने इस टाइटल को दी वेस्टलैंड नाम दिया। हालांकि दी वेस्टलैंड से कुछ कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि 1913 में 1913 में मैडिसन कैवेन ने एक अपनी पोयम लिखी थी जिसका थॉट और लैंग्वेज दोनों ही सिमिलर था और उसका नाम था वेस्टलैंड। शायद यही वजह था कि जब टीएस एलियट ने द वेस्टलैंड टाइटल रखना डिसाइड किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि इस टाइटल में थ्री वर्ड्स होंगे द वेस्टलैंड, तीनों अलग अलग वर्ड होंगे जिससे यह कंफ्यूजन ना हो कि मैडिसन कैवेन के वेस्टलैंड से इसको सिमिलर माना जा सके। इट इज अ मॉडर्न एपिक शोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कैनन, बौद्धिज्म एंड हिंदू उपनिषद्स। अगर हम बात करें तो टीएस एलियट कैन बी अ हब ऑफ नॉलेज, उनको हब ऑफ नॉलेज कहना भी छोटा लग रहा है, ज्ञान की एक जो मिक्सचर हो सकती है। ही कैन बी कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ही कैन बी कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, और यह कॉन्फ्लुएंस जो है यह जो संगम है वो उनकी रचनाओं में दिखता है। द वेस्टलैंड भी इससे अछूती नहीं है और इसमें उन्होंने इस तरह के वेस्टर्न कैनन जिसमें वो एंग्लिकन जो रूल्स रहे हैं, रेगुलेशंस रहे हैं रिलीजन को लेकर के, उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया। बुद्धिज्म जो लॉर्ड गौतम बुद्धा की फिलॉसफी के बाद शुरू होता है उस पर भी उन्होंने फोकस किया है। हिंदू उपनिषद का भी उन्होंने यूज किया है, मतलब डिफरेंट सोर्सेस के अलावा रिलीजन, क्योंकि बाकी सोर्सेस लिटरेरी रहे हो, चाहे शेक्सपियर रहे हो, चाहे मेडिसिन रहे हो, कोई भी रहे हो, लेकिन बाकी लिटरेचर के अलावा उन्होंने रिलीजन से भी सोर्सेस का यूज इसमें किया हुआ और इसे एक मॉडर्न एपिक कहा जा सकता है। हालांकि कुछ कंफ्यूजन होता है क्योंकि जिस तरह से इसमें पोएट एक कैरेक्टर का यूज करता है, एक नरेटर का यूज करता है और नरेटर ही पूरी पोयम में स्पीक करने का काम करता है, जबकि कुछ उसके साथ लिसनर होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेंड में यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बट ऐसा कहना भी मुश्किल है क्योंकि कई जगहों पर दूसरे कैरेक्टर्स के भी डायलॉग्स हैं जिसकी वजह से इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग मानना मुश्किल है। मॉडर्न एपिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब हम एपिक की बात करते हैं तो एक ऐसे हीरो की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट सुपरनेचुरल हो, एक ऐसी रचना की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट 12 बुक्स में लिखी गई हो, जिसमें ग्रैंड स्टाइल का ऑलमोस्ट यूज किया गया हो, जिसकी थीम टेम्पोरल ना होकर के स्पिरिचुअल हो। इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े थॉट, बड़े बड़े डिवाइसेस जो है वो एपिक में यूज किए जाते हैं। ऐसा टीएस एलियट ने अपने द वेस्टलैंड में नहीं किया है। एक अलग तरह की एपिक जिसको ऑलमोस्ट 434 लाइंस में इन्होंने लिखा था वह एपिक मॉडर्न एपिक के रूप में समझी जा सकती है। कुछ यहां पर जो नरेटर है वो कभी कभी टीएस एलियट के रूप में भी आता है, जिसकी वजह से हम विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रेल्यूड से सिमिलरिटी पाते हैं, जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ खुद ही उस पोयम के हीरो या उस पोयम के थीम बनते हैं। कुछ इसी तरह से इस मॉडर्न एपिक में भी टीएस एलियट द नरेटर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं।
the 19 page first version was presented to Ezra Pound, who suggested to half the full size with 434 lines today. In fact, सबसे पहले T.S. Eliot ने जब वेस्ट लाइन को राइट किया तो उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड एज्रा पाउंड को इसे एक तरह से एडिट करने के लिए दिया, एक सजेशन के रूप में कि अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है। एज्रा पाउंड ने इसको पढ़ा और उन्हें रियलाइज हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गई है, खास तौर से इल्यूजंस को भी ध्यान में रखते हुए। और जैसा आज फुल साइज का हाफ ऑलमोस्ट हम 434 लाइंस में पढ़ते हैं, इसका जस्ट डबल साइज उस समय था जो ऑलमोस्ट 19 पेज में लिखा गया था जिसको टीएस एलियट ने उनको दिया था। हालांकि बाद में जो ओरिजिनल क्राफ्ट है वह टीएस एलियट ने अपने न्यूयॉर्क फ्रेंड जॉन फिन को भेज दिया था, जो उनके पास भी नहीं था। और बाद में ऑलमोस्ट 1968 में जॉन फिन की ग्रैंड डॉटर उस ओरिजिनल क्राफ्ट को हम वर्ल्ड के सामने ले आती हैं, जिसको शायद टीएस एलियट भी भूल गए थे भेजने के बाद। तो वह ओरिजिनल क्राफ्ट वाज जस्ट डबल ऑफ द मॉडर्न एपिक टुडे प्रेजेंट। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द यूके इन द अक्टूबर इशू ऑफ द क्राइटेरियन, इन द यूएसए इन द नवंबर इशू ऑफ द डायल, फर्स्ट बुक वर्जन इन द यूएसए इन December 1922 by Bonnie and Leverett, in the UK in September 1923 by Hogarth Press of Leonard and Woolf, Virginia Woolf in fact. Publication की बात किया जाए तो जैसा हमने बताया कि शुरुआत इसका सबसे पहले तो यह एडिशन के लिए जाती है, एडिट होती है, जिसको एज्रा पाउंड करते हैं। और इसका पब्लिकेशन सबसे पहले यूके में एज अ पोयम के रूप में क्राइटेरियन, जो समय की मैगजीन हुआ करती थी, उसमें वह पब्लिश होती है। दैट वाज इन अक्टूबर इशू ऑफ द क्राइटेरियन। अगले महीने में ही अक्टूबर के बाद नवंबर में इसका पब्लिकेशन यूएसए में होता है, जहां पर नवंबर एडिशन ऑफ द डायल, द डायल जो उस समय की मैगजीन कंपनी थी, उस मैगजीन में उस आर्टिकल के रूप में एक तरह से पोयम को शॉर्ट में पब्लिश कराया जाता है। बाद में अमेरिका के ही बॉनी एंड लेवराइट थे, इन दोनों ने सजेस्ट किया टीएस एलियट को कि इसको एक बुक का रूप दिया जा सकता है, इसलिए बुक वर्जन के रूप में सबसे पहले ये यूएसए में पब्लिश होती है। एंड दैट हैप्स इन दिसंबर 1922। बाद में इस बुक वर्जन को यूके में भी फॉलो किया गया, जिसको यहां ले आने का काम टीएस एलियट के फ्रेंड लियोनार्ड ने किया और साथ ही साथ वर्जीनिया वुल्फ ने भी किया था। और यह काम होगार्थ प्रेस ने सितंबर 1923 में किया हुआ था। तो सितंबर 1923 में द वेस्टलैंड का बुक वर्जन यूके में पब्लिश कराया जाता है। द एपिग्राफ हैज बीन फ्रॉम द सैटायरिकॉन बाय गायस पेट्रोनियस। पोयम की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइटल जो दिया गया है वो टाइटल कहां से है। हमें मालूम चला कि टाइटल को हमने जे एल बेसन की पोयम फ्रॉम रिचुअल्स टू रोमांस लिया। बाद में उसके बाद वो एलियट ने एपिग्राफ का यूज किया है। वह एपिग्राफ एलियट ने गायस पेट्रोनियस की बुक दी सटारिकॉन से लिया हुआ है। उस लैटिन ग्रीक एपिग्राफ का इंग्लिश में मतलब होता है I saw with my own eyes the symbol of Camus hanging in a jar, and when the boy said, "Symbol, what do you want?" she replied, "I want to die." In fact,
अगर इस एपिग्राफ के थीम को ही समझ लिया जाए जो लैटिन और ग्रीक में दिया गया था, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाता है शी वांट्स टू डाई, साइबिल वांट्स टू डाई, मींस डेथ इज द थीम ऑफ, गोइंग टू बी द थीम ऑफ दिस पोएम. डेथ मींस डिसिल्यूजनमेंट, डिस्पेयर, कहीं ना कहीं डिसिल्यूजनमेंट या डिसोलेशन, ये सभी चीजें मिलकर के द वेस्टलैंड का निर्माण करती है जो हमें एपिग्राफ से मिलता है, जिसको टीएस एलियट ने गैस पेट्रोनियस के सटायरिकॉन से लिया हुआ है. देयर आर फाइव सेक्शंस इन द पोएम. इस पोएम को टीएस एलियट ने पांच अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके राइट किया हुआ है. अगर इन सेक्शंस की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले सेक्शन को, द ब्यूरियल ऑफ द डेड. The Burial of the Dead, यह जो टाइटल है, इस टाइटल को T.S. Eliot ने Anglican Burial Service से लिया हुआ है, और इस पार्ट में T.S. Eliot ने इस तरह से 77 लाइन को सामने रखा है, जिसके विषय के रूप में नरेटर अपनी खुद की लाइफ के बारे में बात करता है. नरेटर को ऐसा लगता है कि बसंत का मौसम उसके लिए बहुत ही पेनफुल टाइम है, और इस तरह से वह अपने आप को म्यूनिक के ओर याद करता, म्यूनिक शहर के ओर याद करता, उसको अपने बचपन की याद आती है. बचपन की याद के साथ उसके साथ जुड़ जाता है उसके बचपन का रोमांस, जिस रोमांस में एक हाइसिंथ नाम की गर्ल उसके साथ जुड़ी होती है. लेकिन यह रोमांस उसके साथ लंबे वक्त तक नहीं चलता है, और जल्दी ही वह डिसोलेशन में चला जाता है. इस डिसोलेशन से बचने के लिए और अपने पास्ट के टाइम को जानने के लिए वह एक प्रोफेट, एक फ्यूचर टेलर से कांटेक्ट करता है, जिसका नाम मैडम सोसास्त्रिस. मैडम सोसास्त्रिस उसको बताती हैं कि वह ओल्ड समय में एक फिनिशियन सेलर था, इसलिए उसे पानी से बचना चाहिए. एक्चुअल में उसकी डेथ पानी में डूब करके हुई थी, इस वजह से उसे पानी से दूर रहने की हिदायत या वार्निंग मैडम सोसास्त्रिस उसको देती हैं. यहां से उबा हुआ वह एक बार फिर से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, और वह पहुंच जाता है लंदन ब्रिज पर. लंदन ब्रिज पर जो एक सोफिस्टिकेटेड कल्चर को दिखाता है, जहां पर ढेर सारी क्राउड होती है, और उन क्राउड के बीच भी होकर वो डिसिल्यूजनमेंट की ही बात सोच रहा होता है. अगला सेक्शन होता है अ गेम ऑफ द चेस. अ गेम ऑफ द चेस की अगर बात करें तो यह टाइटल स्पेशली थॉमस मिडलसन, थॉमस मिडलटन, इनफैक्ट थॉमस मिडलटन इज अ 17th सेंचुरी, मिड 17th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट, और उन्होंने अ गेम ऑफ चेस नाम से एक अपनी प्ले लिखी थी ऑलमोस्ट इन 1625 में, और इसी अ गेम ऑफ चेस का यूज थॉमस मिडलटन ने वुमन बीवेयर वुमन में भी किया था 1657 में. तो यह टाइटल थॉमस मिडलटन के इन दो प्लेस से रिलेट करता है, जिसको उन्होंने एक गेम ऑफ चेस के रूप में प्रेजेंट किया. जब हम गेम ऑफ चेस की बात करते हैं तो इसमें पोएट ने लंदन की स्ट्रीट्स को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें वह लंदन के रिच पार्ट्स को दिखाया है, जहां पर चमकते हुए घर हैं, और उन घरों के बीच में एक रिच लेडी का भी प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया हुआ. द रिच लेडी ही इस अ गेम ऑफ चेस का हिस्सा होती है, जिनकी लाइफ में मनी तो है, पैसा तो है, बट वह कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, कहीं ना कहीं वो निराशा में डूबी हुई है, और लग्जरीज होने के बावजूद उनके आसपास खुशियां नहीं है, जिससे वह बचने के लिए एक पब का ख्याल लेती हैं और पब पर जाने की बात सोचती हैं. हालांकि पब पर जाने के बाद उनको वहां पर कुछ गॉसिप सुनाई देती हैं,
जहां पर वर्क करने वाले कॉकनी जो वुमेन होती हैं, वो वहां पर पब में कुछ डिस्कशंस कर रही होती हैं। बट ऐसा लगता है शायद कि पब में जाकर के भी इस द रिच लेडी को कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती है और वो वहां से डिसअपॉइंटेड होती है। पोएट अचानक ही अपने आप को इन रिच गलियारों से बाहर निकलता है और एक बार फिर से वह लंदन की लो लाइफ में जाता है। जिस तरह से लंदन की रिच लाइफ में ढेर सारी ट्रबल्स थी, हैप्पीनेस लग्जरीज होने के बावजूद, तो दूसरी ओर लो लाइफ में ढेर सारी परेशानियां हैं, जहां पर कहीं ना कहीं पॉवर्टी एक बड़ा रीजन बनकर के सामने आती है। ने इस पोयम को, इस हिस्से को, अ गेम ऑफ चेस को टी एस एलियट ने 95 लाइंस इंक्लूड करके लिखा हुआ है। द ब्यूरियल ऑफ द डेड में 77 लाइन उन्होंने इंक्लूड किया, अ गेम ऑफ चेस में 95 लाइंस को इंक्लूड किया है। द फायर सर्मन, जैसा देखा जा सकता है फायर सर्मन जो है उसका रिलेशन बुद्धिज्म से है, तो इसका जो सोर्स है इस टाइटल का वह भी बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म से ही इस टाइटल को लाया गया है। वेस्टलैंड की इन पांच हिस्सों में यह सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें 140 लाइंस है, 140 लाइंस टीएस एलियट ने द फायर सर्मन में इंक्लूड किया है। और इस बार उन्होंने इस सेक्शन में एक अलग विशेष तरह से पोएट के टॉम टेम्स नामक रिवर पर पहुंचने की बात होती है। अभी तक पोएट जो था या नरेटर जो था, इनफैक्ट पोएट कहना थोड़ा गलत होगा, हम नरेटर कहेंगे, नरेटर अभी तक जो था वो लंदन की लो लाइफ में था। अब वो लंदन की लो लाइफ से टेम्स के पास आ जाता है, टेम्स रिवर जो लंदन के पास में है वहां आ जाता है और वहां होकर के वो उबा हुआ, परेशान और थका हुआ हालत में होता है, जो वर्ल्ड के लॉस्ट होने पर सोच रहा होता है। अचानक से वह अपने आप को टार्सियास के रूप में देखता है। टार्सियास जिसको हम एक वन आइड या ब्लाइंड प्रोफेट के रूप में जानते हैं, जो फ्यूचर और प्रेजेंट को देख सकता है, पास्ट को देख सकता है, उसी रूप में द नरेटर जो है वो अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करके देखता है और उसे रियलाइज होता है कि मॉडर्निटी का असर एक अकेली और तन्हा रहने वाली टाइपिस्ट पर पड़ता है जिसके पास एक मस्कुलर माइंड जाता है और वह टाइपिस्ट के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है। सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद इतनी फ्रैंकनेस मॉडर्निटी में आ गई है जो वह छोड़ते वक्त उसे थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करता है और वो वहां से चला जाता है। पोएट का ध्यान एक बार फिर से, नरेटर का ध्यान एक बार फिर से वापस आता है और वह देखता है उसके आसपास ढेर सारी मैडेंस हैं, कुमारी लड़कियां हैं, जो इस तरह के डिप्लोरेबल सिचुएशन में जहां सेक्सुअल रिलेशन होने के बाद अकेले छोड़ के लोग चले जाते हैं उस पर क्राई कर रहे हैं। साथ ही साथ एक इनोसेंट गर्ल है जो बिटरली क्राई कर रही है, तेजी से रो रही है और उसको लगता है उसका इनोसेंस जो है वो लॉस्ट हो गया है, जिसको लॉस्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक इंसान था जो उसके सेक्सुअल रिलेशंस के लिए ही केवल चाहता था, उस लस्टफुल मैन से वो डिसअपॉइंटेड होती है। नेक्स्ट जो पोयम का हिस्सा है, डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर इस पोयम का शॉर्टेस्ट हिस्सा होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है, जिसमें टी एस एलियट ने केवल 10 लाइंस को इंक्लूड किया है, केवल 9 लाइंस को इस पोयम इस पार्ट में उन्होंने शामिल किया है। इसका विषय भी डेथ को दिखाना है, जैसा पहले भी मैडम सुशास्त्रिस ने डिस्क्राइब किया था फिनिशियन सेलर के बारे में, उसी फिनिशियन सेलर के डेथ की बात इसमें दिखाई जाती है, जो लाइंग डेड है उस रूप में है। अभी तक पोएट या नरेटर टेम्स के किनारे ही है, अचानक से वार्ड द थंडर सेड की दुनिया में जब वो जाता है, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोयम, तो वह वहां से हटकर, सी से हटकर, रिवर से हटकर माउंटेन्स की ओर जाता है, रॉक्स की ओर जाता है, जहां पर उसे थंडर की आवाज सुनाई देती है और उस थंडर में उसे तीन शब्द, थ्री वर्ड सुनाई देते हैं, जिसको आप देख सकते हैं इस तरह से। थंडर के जो साउंड्स थे
उसको हम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें दत्ता, दयाध्याम और दम्यता की बात की गई। मतलब वर्ल्ड की हैप्पीनेस, दुनिया की जो खुशी है वो इन तीन वर्ड्स में है, दा दा दा। दा मींस दाता, पहला जो दाता है मींस गिवर। हमें अपनी लाइफ में गिविंग के बारे में सोचना चाहिए, ना कि टेकिंग के बारे में। टेकिंग एक बड़ा रीजन होता है हमारे डिसअपॉइंटमेंट के लिए। दूसरा होता है दया दम्यता, जिसमें हमें मर्सी या कंपैशन को दिखाना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए। और लास्ट हिस्सा होता है दम्यता, जिसमें कंट्रोल की बात की गई है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है, अपने पर नियंत्रण रखने की बात की गई है। और यही तीन, चाहे वह मर्सी रही हो, चाहे वह गिविंग का हैबिट रहा हो, डोनेट करने की हैबिट हो, या फिर लास्ट में सेल्फ कंट्रोल की बात रही हो, ये तीनों बात जिसके पास आ जाती है, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाया करती है। इसी के साथ चीयर्स एलियट, शांति 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 3 times इसका यूज करके वो पोएम को कंप्लीट करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। द नरेटर, जिसको हम लोग देख सकते हैं नरेटर के रूप में टीएस एलियट खुद भी है, जहां कहीं पर वह कई बार अपने आप को द फिशर किंग के रूप में भी देखते हैं। फिशर किंग एक ऐसे पुअर किंग है जिनमें इम्पोटेंसी हो जाती है, और उनकी प्रेजेंस की वजह से इनफर्टिलिटी और बैरननेस आता है, जो वेस्टलैंड का काम करता है। कुछ जगहों पर उन्होंने अपने आप को टार्सियास के रूप में यूज किया है, जैसा हम लोगों ने भी समरी में डिस्कस किया। सेकंड कैरेक्टर इज मैडम सुशास्त्रिस। मैडम सुशास्त्रिस कैरेक्टर को इन्होंने अल्दोस हक्सले के नॉवेल से लिया हुआ है। उस नॉवेल को क्रोम येरो कहते हैं। क्रोम येरो को अल्दोस हक्सले ने 1921 में पब्लिश किया था, और उसी से यह इंस्पायर्ड थीम थी, जिसको मैडम सुशास्त्रिस को एक कार्ड प्लेयर के रूप में, जो फ्यूचर और पास्ट को देख सकती है, के रूप में प्रेजेंट किया है। एक सैड वुमन के रूप में इनको प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इज स्टेटसन। स्टेटसन इज अ फ्रेंड ऑफ द नरेटर। यह नरेटर का दोस्त है, और ऐसा माना जाता है कि यह वार में गया था। वार का रेफरेंस दो जगह से आता है स्टेटसन में। एक तो द वर्ल्ड वार, क्योंकि हम अभी 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार को सहे थे, और दूसरा था प्यूनिस वार। प्यूनिस वार जो रोम और कार्थेज के बीच में 264 बीसी से 146 बीसी तक लड़ा गया था, उसमें यह कैरेक्टर रहा होगा, जिसको यहां पर यूज किया है टीएस एलियट ने। द रिच लेडी गेम ऑफ चेस का हिस्सा होती है, और यह हमेशा ही सैड रहने वाली, जबकि लग्जरी से घिरी हुई है। कहीं ना कहीं इन लेडी का हम वेवियारी, जो एलियट की वाइफ थी, उनसे रिलेशन देख सकते हैं, उनके रूप में इनको देख सकते हैं। फिलोमेला। फिलोमेला इज अ रेप्ड गर्ल, जिसको टायरेस ने रेप किया था, और बाद में फिलोमेला ने टायरेस की हत्या अपने सिस्टर के साथ मिलकर किया था। और यह कैरेक्टर टीएस एलियट ने ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया हुआ। नेक्स्ट इज अ टाइपिस्ट। एक लोनली गर्ल है, जिसके साथ एक यंग मैन मॉडर्निटी में सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, और उसको हमेशा के लिए छोड़कर डिजर्ट करके चला जाता है। मिस्टर यूजिनाइट्स, यह एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है। शायद यह वही मर्चेंट है जिसके बारे में मैडम सुशास्त्रिस ने पहले ही फिनिशियन मर्चेंट के बारे में बात किया था। यह इस पोयम में स्मिर्ना नामक जगह से है, जो आज तुर्की का हिस्सा है। फ्लेबास वह मर्चेंट है, जिसकी डेथ के बारे में डेथ बाय वाटर में बात किया गया है, और यह एक लीजेंडरी कैरेक्टर, जिसके बारे में मैडम सुशास्त्रिस ने पहले ही डिस्कस किया हुआ। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन। इट फॉलोज द लेजेंड ऑफ होली द होली ग्रेल एंड द फिशर किंग। द होली ग्रेल
यह एक ऐसा सोर्स है जो लंबे वक्त से रिलीजियस वर्क में सोर्स का काम करता रहा, चाहे वो मॉडर्नी ऑर्थर को लिखने वाले थॉमस मेलोरी रहे हो, उन्होंने भी यूज किया है। टीएस एलियट ने इस होली ग्रेल को यूज किया है, जबकि इस होली ग्रेल का सबसे पहले यूज क्रेनियन दी ट्रायल्स ने किया था 1190 में। क्रेनियन दी ट्रायल्स ने 1190 में अपनी एक अनफिनिश्ड रोमांस पार्सिवल ली कॉन्टे डू ग्राल में सबसे पहले उन्होंने पार्सिवल ली कॉन्टे डू क्रॉल में ग्राल में उन्होंने सबसे पहले 1190 में इस लेजेंड का यूज किया था। हालांकि यह कई अलग अलग रूप में है, कभी इस ग्रेल को एक कप के रूप में, कभी इसको एक वेजल के रूप में, कभी इसको स्टोन के रूप में, हैप्पीनेस देने वाला, पावर देने वाला, तो कभी कभी इसको एक बॉल के रूप में भी देखते हैं, जिसको जीसस के गिरने वाले क्रूसिफिकेशन के वक्त गिरने वाले ब्लड जिस कप में लिया गया था उस कप के रूप में देखा जाता है। और इसी ग्रेल की सेफ्टी के लिए कई किंग्स थे जिनको एम्प्लॉय किया गया था, उनमें फिशर किंग भी है जो उस लाइन के लास्ट में रहते हैं, बिकॉज इज ऑलवेज वाउंडेड या हमेशा ही घायल होते रहते हैं और इनको हमेशा उसके लास्ट में रहते हैं। इस पोयम में इनका जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं बैरननेस या इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी को दिखाने के लिए रखा गया है। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू गिव यू द मोस्ट ऑफ ऑन द वेस्टलैंड इन माई वर्ड्स। Thanks a lot for watching us. Keep watching English Kingdom with Shivam Dubey, Allahabad. Thank you very much. Contact us for notes and classes.